हसीना मलिक के पास और भी ड्रग्स होने की संभावना। हाय संतोष जी, मेरी क्रिसमस। हमारी क्या दिवाली है, मुझे भी बोल। नहीं, तू तो अमावस है। तेरी तू। संतोष जी, क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे आज क्रिसमस है, सांता क्लॉस का दिन है, कभी भी आते होंगे आपकी ख्वाहिश पूछने के लिए। तो बताइए क्या मांगने वाली है? मांगा तो है बट काश मिल जाए। अरे समझो, हो गई। आप मांग के तो देखिए, सांता क्लॉस सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं संतोष जी। वैसे आइडिया तो ये जानने का है कि क्या नहीं, किसे मांगने वाली है? किसे नहीं, ये पूछ क्या मांगने वाली हूँ। क्या मांगने वाली है? एक बहुत ही अच्छा, समझदार, स्मार्ट, इंटेलिजेंट प्लम्बर। मेरे क्वार्टर में है ना यार, किचन में जो नल है ना, बहुत टाइम से लीक हो रहा है। हजार प्लम्बर आकर उसे ठीक कर चुके लेकिन वो टपकना बंद ही नहीं करता है। मैं सांता क्लॉज से उस फरिश्ते का पता मांगूंगी जो मेरा वो नल जो टपक रहा है ना वो ठीक कर दे। अच्छा ये सब छोड़िए संतोष जी, आप ये बताइए कि आपने बुलाया था मुझे? हमने बुलवाया। ये खबर तुमने छापा? कौन सी खबर मैडम? एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। भूरी मछली के बाद सत्तू का रस पीने से तीन लोग गंजे हो गए। नमाओ बिल्ला। अरे नहीं, ये गलत खबर है। हाँ ये खबर है। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि SHO हसीना मलिक, जिनके पास ड्रग्स रखने, खरीदने और बेचने का आरोप है, उनके पास अभी भी भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप है जो उन्होंने कहीं छुपाई है। हाँ जी, तो चड्डे साहब जरा आप रोशनी डालेंगे इस विशेष विश्वस्त सूत्र पे। कौन है ये विश्वस्त सूत्र जो आपको ये घटिया बुनियाद खबरें दे रहा है हसीना मैडम के बारे में, उनको फंसाने का ये जाल बना रहा है, बताएंगे आप? देखो साफ साफ ना हमको सच बता दो सनी चड्डा, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम महिला पुलिस थाना के साथ हो और ऐसा रॉकेट बना के तुम यहाँ से टेक ऑफ होगे ना कि जिंदगी भर लैंडिंग नहीं होगी, वहीं हवा में घूमते रह जाओगे जिंदगी भर, समझ गए? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? अब भला मुझे कैसे पता होगा ये न्यूज़ किसने छापी? आप जानती हैं ना कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, किसी भी न्यूज़ चैनल में काम नहीं करता, और मेरा तो एक ही फंडा है, जहाँ मिले न्यूज़ का सबसे सही दाम, वहीं अपना घर, वहीं अपनी दुकान। नहीं नहीं चड्डा, झूठ नहीं। हमने अखबार के एडिटर को फोन किया था, उनसे खबर हमको मिली है कि तुमने ये सब किया है। अब तुम बताओगे तुम्हें खबर कहाँ से मिला? वो क्या है तुम्हारा ये वर्ल्ड फेमस डायलॉग, ताजी खबरों का इकलौता अड्डा? आपका अपना सनी चड्डा। हाँ तो बस अगर एक सेकंड के अंदर अंदर तुमने हमें सच नहीं बताया ना, तो कल से एक नया लाइन होगा, हुआ करता था खबरों का एक अड्डा जिसको चलाया करता था सनी चड्डा। कहीं ऐसा तो नहीं है हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बोलने से मना किया? हमारे सही है, हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया है? किया है ना सनी? सच? चड्डे चड्डे संतोष जी की कसम खा के बोल, सच बोल। एक मिनट, मेरी कसम क्यों? वो खबर के लिए कुछ भी बोलेगा मेरा क्या होगा फिर? संतोष जी आप क्या कह रही हैं? ओ सनी, संतोष जी की कसम खा के सच बोल। बोल। हाँ मैडम, सर ने मुझे बोला था ये खबर छापने को। करिश्मा जी, ये उन्हीं के कहने की वजह से हो रहा है। सस्पेंस। ये क्या सस्पेंस? हसीना मैडम पहले खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर खुद खुदी को गिरफ्तार करवाती है, और फिर खुद खुद की खबर छपवाती है। ये क्या चल रहा है? अम्मा चल क्या रहा है, किस फिराक में हसीना मैडम, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैडम मैं बोल रहा हूँ ये हसीना मैडम का जाल है, उनकी तरह सोचना चाहिए तब हमें पता चलेगा उनका किस से चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। बिल्लू चंपत, तुमने सारी उलझनों को सुलझा के रख दिया है? हाँ, हमने हसीना मैडम की तरह ध्यान लगा के सोचा तो हमें समझ में आया ये पूरा जाल क्या है। मैडम प्लीज आप मुझे भी समझाइए ना, वरना मेरा सर ना दर्द से फट जाएगा। ये पूरा खेल ड्रग्स माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए बनाया गया है। हसीना मैडम को पता था कि बब्बन जैसे टटपुंजे को पकड़ने से ये माफिया जो है ये जड़ से खत्म नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया ताकि वो समुंदर की बड़ी बड़ी मछलियों तक पहुंच सके। क्या जाल? लेकिन मैडम जाल ये है कि खुद को उन्होंने ड्रग्स पकड़वा कर अरेस्ट करवाया,
खुद को हम सबकी नजरों में, पूरे कानून की नजर में, पूरी दुनिया की नजर में सबसे खिलाफ हो गई और फिर खुद ही ये खबर छपवाई कि उनके पास ड्रग्स का इतना बड़ा खेप है, ताकि ये खबर सुन के जो समुंदर की बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो हसीना मैडम तक पहुंचे। और जैसे ही ये मछलियां हसीना मैडम तक पहुंचेगी तब हसीना मैडम क्या करेंगी? अरेस्ट। यस जी, सही सुना आपने। हमारे पास करोड़ों का माल है, करोड़ों के ड्रग्स हैं, जो ऐसी जगह महफूज है जिसका पता सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जानता और जान भी नहीं सकता। अगर पकड़े भी गए तो माल महफूज रहेगा। हमने आप चारों को कांटेक्ट इसलिए किया है क्योंकि हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। हमारे पास जितना भी माल है, सारा का सारा माल हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बदले में आपको हमें यहाँ से निकालना होगा, इस सिचुएशन से, इस शहर से। 2 दिन के अंदर अंदर हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं, आप ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं, आप चारों, बहुत बड़ा कारोबार है आपका, नशे का कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ है, आपके पास सब कुछ है, पावर, पैसा, लोग, इसलिए इतना छोटा सा काम आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। सो क्या कहते हैं, डू वी हैव अ डील? पर एक मिनट मैडम, मैडम सर के पास तो ड्रग्स है ही नहीं, तो वो बेचेंगी क्या? संतु, मछलियों को जाल में फंसाने के लिए जितना चारा चाहिए था ना, उतना चारा डल चुका है। अब अगर इंतजार है ना तो सिर्फ मछलियों के फंसने का। ग्रेट, सो द डील इज कंफर्म्ड, आज रात को मिलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया मैडम सर, मान गए आपको। मतलब एक ही झटका में ड्रग्स माफिया को खत्म करने का क्या प्लान बनाया है हसीना मैडम ने। ऐसी थोड़ी ना हसीना मलिक है वो। फर्ज के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने का जिगराना सिर्फ आप जैसी ऑफिसर में ही है मैडम सर। मान गए आपको और बहुत गर्व है आप पर। क्या वो पुष्पा जी, कुल्फी वाला है क्या बाहर? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहुत बुरा लग रहा है संतू, मैडम सर ने इतने नेक काम के लिए अपनी साख, अपनी वर्दी, अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया, मगर हमें शामिल करना तो दूर, हमें बताया तक नहीं कि वो इतना बड़ा जोखिम उठा रही है। क्या हम उनका परिवार नहीं है? क्या हम उनके अपने नहीं है? हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? दर्द होता है संतू, यहाँ बहुत दर्द होता है। कंट्रोल कीजिए थोड़ा, थाने में है, इतना इमोशनल होने का जरूरत नहीं है आपको। बात हसीना मैडम की तो अब समझ में आया, हमको कैसा फील होता है जब वो हमें नजरअंदाज कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है मिशन से। ऐसा ही फील करते हैं हम भी। आपकी बात छोड़िए, ये तो आपका रोज का रोना है, अभी की बात कीजिए। मैं शायद जानती हूँ कि मैडम सर ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने ना कहीं पढ़ा था पुष्पा जी कि एक महान लीडर कभी भी अपनी टीम की जान को खतरे में नहीं डालता, हमेशा खुद अपने सीने पर गोली पहले खाता है। मैडम सर ने भी वही किया। मैडम सर ने हम सबको इस केस से दूर रखा ताकि हम सब सेफ रहें। मैडम सर जानती थी कि इस केस में बहुत खतरा है और वो हम में से किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तुम क्या खा रही हो आजकल? तुम सिंघाड़े। बस वही खाओ और पुष्पा जी को भी खिलाओ। क्या ना, ये खाकर तुम काफी अकल की बात कर रहे हो। ये बिल्कुल अकल वाली बात की आपने। और आप हमारी बात सुनिए। देखिए, आप हमारी बहू है। हाँ हाँ, जानते हैं ये थाना है, यहाँ हम सास बहू नहीं है, मगर हम जो कहना चाहते पहले सुन तो लीजिए। देखिए, आप हमारी बहू है, मगर हसीना मैडम को भी कभी हमने हमारी बेटी से कम नहीं माना। इसलिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, आपकी सास पुष्पा सिंह की हैसियत से आपको ऑर्डर देते हैं। फिलहाल मैडम सर खतरे में है और आपको उन्हें सही सलामत सुरक्षित यहाँ वापस लेकर आना है। बहुत भौकाल भौकाल करती है ना आप, जाइए दिखा दीजिए अपना भौकाल। बिल्कुल लाएंगे पुष्पा जी, हम एक परिवार हैं और इस टाइम पर अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो काहे का परिवार फिर। हसीना मैडम चाहे या ना चाहे, लेकिन हम उनका साथ देंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। हसीना मलिक कहाँ है?
मैडम। हसीना मलिक कहाँ है? हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। मगर उन्हें तो दो दिन का समय दिया गया था ना खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अभी तो सिर्फ 12 ही घंटे हुए हैं। दिए गए थे लेकिन अब नहीं। पढ़िए इस खबर को। इस खबर के मुताबिक हसीना मलिक के पास और भी ड्रग्स हैं, जो हमें उसे बरामद करने हैं। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग निकले, हमें उसे अरेस्ट करना है। कहाँ है हसीना मलिक? नहीं है, हसीना मलिक जी यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही है ये मैडम। कल इन्होंने ही हसीना मलिक को अरेस्ट किया था और ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखो, यहाँ तुम सबकी भलाई इसी में है कि बता दो कि वो कहाँ है, वरना बेकार में पूरा थाना ही इनकारी की लपेटे में आ जाएगा। परिवार कहते हो ना तुम सब इस थाने की टीम को, तो फिर तुम सब पर उसके पार्टनर होने का, उसे जानबूझकर यहाँ से भगाने का और ड्रग्स जैसे संगीन अपराध में उसकी मदद करने का इल्जाम लगेगा। और यकीन मानो, इतना काफी होगा तुम सबका करियर बर्बाद करने के लिए। तो बताओ कहाँ है वो? मैं वादा करती हूँ कि रिपोर्ट में तुम में से किसी का भी नाम नहीं आएगा। सही कहा मैडम आपने, हम परिवार हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, पार्टनर्स हैं हम, परिवार है सांझा ही समझे। कोई बात नहीं, अब चाहे जो कहो, बेशक मत बताओ कि हसीना मलिक कहाँ है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर अगले 12 घंटों में हसीना मलिक वापस नहीं आए, तो मैं खुद यहां से तुम सबको गिरफ्तार करके लेकर जाऊंगी। और फिर सिर्फ हसीना मलिक ही नहीं, तुम सबको भी जिंदगी भर के लिए जेल की हवा खिलाऊंगी, और ये मेरा वादा है। वाह, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो जाते जाते आप हमारा भी एक बात सुनते जाइए। इतना गारंटी हम नहीं देते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर हसीना मैडम यहाँ वापस आ जाएगी, लेकिन इस बात का गारंटी जरूर देते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर ना हम उनको निर्दोष साबित करेंगे, और ये हमारा वादा है। और पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है। अगर अगले 12 घंटों में हसीना मलिक बेकसूर साबित हुई तो ठीक, वरना ये थाना इस शहर के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा। हमारे होते ना ऐसा कभी नहीं होगा। 12 घंटे। जल्दी कर संतू, मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में होंगी। लगता है मैडम सर के पास उनका फोन नहीं है, नंबर ट्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे हम कैसे पता लगाएंगे कि मैडम सर कहाँ हैं? देखो, इतना तो तय है कि हसीना मैडम किसी ड्रग माफिया के कनेक्शन से मिलने गई थी, लेकिन कहाँ, किससे, कैसे, ये कैसे पता लगाया? हम पता लगा सकते हैं, हम हैं बिल्लू द स्पार, मुझे सब कुछ पता है। या ऐसे क्रिमिनल्स ऑफिस खोल कर नहीं बैठते, बैठ कर डील नहीं करते, वो डील करते हैं उस जगह को कहते हैं सॉफ्ट स्पॉट, जैसे कि गेट टुगेदर, इवेंट, फंक्शन, ऐसे भीड़ वाली जगह होती है, वहाँ ये लोग आते हैं, अपना डील करते हैं और निकल जाते हैं, और भीड़ की वजह से उन पर शक भी नहीं होता है। आज क्रिसमस है तो जगह जगह पार्टियाँ होगी और इन पार्टियों में डील होगी। मैं कैसा टोपा आदमी हो ना तुम, सबको पता है ये बात यहाँ पे बिल्लू चंपत, लेकिन कभी कभी इतना टोपागिरी वाली बात करते हो ना कि बच्चे कुछ बाल भी ऐसे नोचने का मन करता है तुम्हारे। पता है सबको क्रिसमस ईव है, हर जगह पार्टी हो रही है, लेकिन किस पार्टी में हसीना मैडम जाएगी वो कैसे पता लगाए? यही तो। क्या यही तो? सोचिए पुष्पा जी, सोचिए, ये हसीना मैडम का डील है, हसीना मैडम की तरह सोचिए। अगर हसीना मैडम को किसी के साथ डील करनी हो तो कहाँ करेगी, सोचिए। शहर का सबसे बड़ा पार्टी में डील करनी होगी उनको। यस, दैट्स योर मतलब करेक्ट। संतू एक सेकंड। मैडम यही है वो जगह जहां आज रात शहर की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी होगी।
नहीं, मगर गारंटी क्या है कि डील इसी पार्टी में होगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना पुष्पा जी। कभी कभी कुछ चीज है ना, भोलेनाथ पे छोड़ देनी चाहिए, क्यों पुष्पा जी? जरूर, चलो हो जाए आज पार्टी। हलवा है? है? हलवा, हलवा। यह पार्टी में हलवा कौन मांगता है? हाँ? निकलो, 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 निकलो। Oh, excuse me, sir. Yes, my child. My self prayer. My self build the spy. Ha 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 ha. हलवा, हलवा चाहिए क्या? No, no, my child. No, it's dangerous. ये लोग भी यही हैं, इनकी नजरों से बचकर रहना होगा। बिल्ला दे। पुष्पा है? हाँ, इस बार पुष्पा जी। क्या बार बार आप हमें बिल्ला बोल? अच्छा सुनिए, हमें नहीं लगता हसीना मैडम यहाँ आएंगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कहीं और जाके ढूंढना पड़ेगा उनको। सुनिए, आप सही कह रही हैं। चलिए चलिए, यहाँ से चलते हैं। चलिए। स्कीम मैया की सासू मैया, फिर भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी, तो ये क्या कर रही हैं? अरे देख नहीं रही हैं आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते, हम जा रहे हैं इनको बताने। मैया की सासू मैया, यहाँ पे भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी, तो ये क्या कर रही हैं? अरे देख नहीं रही हैं आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते, हम जा रहे हैं इनको बताने। करिश्मा सिंह, आप जो कुछ भी करने जा रही हैं वो प्लीज मत करिए, वरना अभी तक की हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ये मिशन बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। अगर किसी को भी भनक लग गई कि पुलिस यहाँ पर है, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप हमें अरेस्ट करना चाहती हैं, ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद हम खुद आएंगे आपके पास। हम अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपका साथ देने आए हैं। देर से ही सही, लेकिन अब हमें आपके मिशन के बारे में पता चल गया है। क्या कमाल का प्लान बनाया आपने! आपके हाँ ना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ परमिशन नहीं, आपको बताने आए कि हम सब आपका साथ देंगे। भोलेनाथ जी की कृपा है कि आप हमें यहाँ मिल गई, वरना समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ ढूंढे। लेकिन आप लोग हमें ढूंढे क्यों रहे थे? क्यों मतलब? आपकी मदद करने के लिए। हम कितनी बार आप सबसे कहें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मैडम सर, हम फिर भी आपके साथ इस मिशन में रहेंगे, आपका साथ देंगे। मैडम सर, वो कहते हैं ना, एक से भले दो, यहाँ तो चार भले लोग आपका साथ देने आए हैं, और मैं तो बहुत जरूरी हूँ। वो कहते हैं ना, चोर और गिद्ध की तेज नजर होती है शिकार ढूंढने में, तो हमें तो आपके साथ रहने दीजिए प्लीज। ओके,
अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाइए। हम तो कर लेंगे मगर का? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में यहाँ पर चार लोग आएंगे, वो चारों ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े माफिया हैं। पूरे शहर में ड्रग्स का धंधा, काला कारोबार सब वो चलाते हैं। अगर हमने इन चारों को पकड़ लिया तो इस पूरे शहर में से ड्रग्स का सारा धंधा साफ हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी देर में वो चारों यहाँ पर आने वाले हैं हमसे डील करने के लिए। कोई गलती नहीं, जैसे ही वो लोग आएंगे हमारे आसपास कोई भी नहीं देखना चाहिए जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक हम इशारा नहीं करते आप लोग कुछ नहीं करेंगे, क्लियर? अपने अपने पोजीशंस पर। ड्रग माफिया, ड्रग डील। आप जैसी करप्ट ऑफिसर की हमें हमेशा से जरूरत होती है मिस मलिक। पहले मिली होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अब हसीना मलिक हमारे साथ है, अब हमारा बिजनेस और भी फ्लाई करेगा। और देख लीजिएगा, एक दिन इस देश का बच्चा बच्चा हमारे इस नशे के जाल में गिरफ्त होगा। लाइए, निकालिए हलवा। क्या बात है, आप तो सच में क्रिसमस गिफ्ट लेकर आई हैं हमारे लिए। ये क्या मजाक है? धोखा? हर मारने वाले से पहले ना बचाने वाला पैदा हो जाता है, यही दस्तूर है जिंदगी का, समझे तुम? तुम क्या बच्चा बच्चा तक ड्रग्स पहुंचाओगे? तुमको यह गाड़ ना दे जमीन पे। अभी तुम चारों के साथ साथ इस शहर की सारी गंदगी साफ। तुम सबका ड्रग्स का कारोबार हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और जब तक हम हैं इस शहर में दोबारा ऐसे किसी पौधे को पनपने नहीं देंगे। अपनी गन नीचे कीजिए करिश्मा सिंह। अरेस्ट करो। क्या बात है, नशे के समंदर के चार बड़े मगरमच्छ एक साथ एक जगह, दुर्लभ नजारा है भाई, कोई फोटो लो। ड्रग्स कहाँ हैं? मैडम सर के पास कोई ड्रग्स नहीं है, ये तो मैडम सर का प्लान था ये ड्रग माफियों को पकड़ने के लिए। ओ, नया प्रपंच। बेवकूफ लगती हूँ कि तुम कहानी बनाओगी और मैं तुम्हारी कहानी सुनकर बहल जाऊंगी? मैडम, यही सच है। अखबार में जो खबर छप के आई थी कि हसीना मैडम के पास ड्रग्स है, ये तो उन्होंने ही छपवाई थी इन चारों को पकड़ने के लिए। इनफैक्ट मैडम सर ने तो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये भी बताया था कि उनके गाड़ी में ड्रग्स रखा गया है। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स, राजापुर नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं।
अगर आप चाहो तो जिस फोन से उन्होंने कॉल किया था वो हम आपको दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं ना मैडम सर? हाँ दिखा सकते हैं, इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैडम सर सही है। बकवास, सब बकवास। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म चल रही है यहाँ? बहुत बढ़िया मैडम, आपके आंखों के सामने सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, अब हम सबको अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि ड्रग माफिया के चार बड़े बड़े मगरमच्छ तो पकड़े गए हैं, तो हमने हमारा काम कर दिया है, देश साफ हो गया है, इसलिए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हम सबको अरेस्ट कर लेंगी तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी अपना काम ना अच्छे से करेगा। लाइए अरेस्ट कीजिए, कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, करिश्मा सिंह झूठ बोल रहे हैं। ये सब यहाँ आए जरूर है लेकिन हमारे साथ नहीं है। हमने इनको शुरुआत से अपने हर मोमेंट से एब्सोल्युटली दूर रखा है। इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेगुनाह है, इसलिए प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए और हमें गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं मैडम सर, हर वक्त आपका नहीं चलेगा, हम सब एक टीम है, एक परिवार है, सब सांझा है, तो सजा भी साथ भुगतेंगे। करिश्मा सिंह आप कुछ नहीं करेंगी एंड दैट्स नॉट ओके। देखिए इस वक्त ना आप ऑर्डर देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आप वर्दी में नहीं है, इसलिए हम आपका ये ऑर्डर खारिज करते हैं और ये सजा हम सब साथ भुगतेंगे। कीजिए आप अरेस्ट हमें, कीजिए ना। मैडम सर हमें माफ कर दीजिए, देखिए हम भी गुनहगार हैं, हमें अरेस्ट कीजिए। मैडम मुझे भी अरेस्ट कीजिए। मैडम मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए, मैं अकेले बिजनेस में क्या करूंगा। हम सबको, हम सबको अरेस्ट। चुप, एकदम चुप। बेवकूफ हो क्या सबके सब? हाँ शायद हो, तभी तो सबके सब एक साथ जेल जाने के लिए मरे जा रहे हो। पत्रा जी ने हमें आपके प्लान के बारे में बता दिया था, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। भाई क्या थाना है, सबके सब दीवाने, लेकिन ऐसे दीवानों को अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि कानून के लिए उनके जज्बे को सल्यूट किया जाता है। हसीना मलिक, कैसे कोई इतना बड़ा बलिदान दे सकता है अपने फर्ज के लिए? मैम जब दिल में देश के लिए सच्ची मोहब्बत होती है तो ये बलिदान नहीं लगता, अपने आप हो जाता है। आज की तारीख में नशे की बुराई हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन। जब भी कोई यंगस्टर ड्रग से दोस्ती करता है तो वो अपने देश से दुश्मनी करता है, और हमारा काम है ऐसा होने से रोकना। हम खड़े हैं आपके और ड्रग्स की इस घटिया दुनिया के बीच एक ठोस और ताकतवर दीवार बनके, अब सबको महफूज रखने के लिए, और ये करने के लिए चाहिए हमें आपका साथ, अब सबका साथ। आप लोग अगली जनरेशन है, यू गाइस आर द फ्यूचर। अब ये आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं और आने वाली नस्ल को कैसी दुनिया देना चाहते हैं, एक नशे में डूबी हुई बर्बाद दुनिया या फिर एक खुशहाल हेल्दी दुनिया। सच कहें तो जब हम आपसे आपके घर पर मिलने आए थे, घर, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि आपकी चुप्पी के पीछे इतना बड़ा लक्ष्य छिपा है। घर चले गए बताया भी नहीं। सुना सुना, बात आगे बढ़ती है ना तो ऐसे मिलना मिलाना होता ही है। इट्स ओके सर, आपकी कोई गलती नहीं है, कभी कभार इंसान को परखने में गलती हो जाती है। प्रयास करेंगे ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। दरअसल हम आपसे ये कहने आए हसीना मलिक, हमें आप पर बहुत गर्व है। सुना? हाँ सुना, मत पढ़ रहे हैं कुछ। हमारे पूरे विभाग के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पुलिस महकमे में आप जैसी होनहार, देशभक्त और ईमानदार अफसर काम करती हैं। सच में आपने हमारा दिल जीत लिया। सुना, दिल जीत लिया? सुना, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते रहेंगे।
मिलते रहेंगे, सुना? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। आप यहाँ से? क्यों, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? नहीं नहीं, आप तो डीएसपी है, आप तो कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केस फाइल हुआ है नया, तो मैडम सर से बात करना था, तो आप बतिया रहे थे तो हम वेट कर रहे थे आप कब बाहर आएंगे तो हम उनसे बात कर पाए। क्योंकि मैडम अचानक कमरे में आकर आप दोनों की बातों में दखल नहीं देना चाहती थी, है ना? है ना जी, वो बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। क्या जा रहे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद। चाहिए चाहिए, मिल लीजिए अपनी होने वाली भाभी से। पुष्पा जी, आपसे ना बाद में निपटेंगे हम। हम यही हैं, डरते नहीं हम किसी से। हम गलत थे सर, हसीना मलिक जरूरत से ज्यादा ईमानदार और अच्छी औरत है। उसे अपने मिशन के लिए तैयार करने के लिए हमें अपना पुराना ही तरीका आजमाना होगा, दिल से होकर दिमाग तक पहुंचना होगा। कल से इसी काम का फिर से शुभारंभ होगा। हे भोलेनाथ, 2020 की शुरुआत बहुत कठिनाइयों के साथ हुई और फिर आगे बढ़ती ही गई। एक के बाद एक कुछ ना कुछ बुरा होता ही गया। एक पॉइंट के बाद तो ऐसे लगने लगा कि बस अब कब खत्म होगा ये साल। मगर फिर भी इतनी कठिनाइयों में भी आपने हमारी रक्षा की, न जाने कितनी अनदेखी अनजानी मुश्किलों से हमें बचाए रखा। बस एक को छोड़ के बस ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा और ऐसी दया कीजिए कि आने वाला साल यानी कि 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। बाकी छोटी मोटी इच्छाएं तो हम आपके चरणों में रखते आए हैं ही। हमारी करिश्मा मैडम जो है ना, वो बहुत जल्द SHO बन जाए। और बस कोई ऐसा चमत्कार कीजिए आप कि वो हसीना मैडम की तरह अपनी अकल का इस्तेमाल करे, ना ही अपने हाथ पैरों का। हाँ। और अपनी संतु जो है बहुत जल्द हेड कॉन्स्टेबल बन जाए। ऐसा है बन जाए, ऐसे आ रहे थे हम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पुष्पा जी, हमको कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। हमसे? नहीं, भोलेनाथ जी से। हाँ तो कीजिए ना, वो आपकी भी बात सुनेंगे। जी जी। जय भोलेनाथ, आपके चरणों में ना एक अनुरोध है। आप तो जानते ही हैं हमारी हसीना मैडम, अब तो देख ही रहे हैं उनका उम्र हो गया है शादी का, तो आपने ना सबके लिए कोई ना कोई बनाया है, तो उनके लिए भी कोई अच्छा सा हैंडसम सा अच्छा लड़का उनके लिए ढूंढ दीजिए ना, तो उनका क्या घर बस जाएगा, है ना? तो मिल तो गया है ना? का? मिल गया? हाँ। कौन? अपने DSP साहब। हाँ, हमको तो लगता है ना संतु, शिवजी ने उन्हें हसीना मैडम के लिए ही यहाँ धरती पे भेजा है। हाँ। तुमने देखा ना कितने प्यार से बात करते हैं वो, जब भी हसीना मैडम के साथ बात करते हैं आंखों में ऐसे अपना दिल निकाल के बात करते हैं, है ना? हाँ, यही तो खासियत होती है प्यार की, दिखाए ना दिखे, छुपाए ना छुपे। हाँ, पर ये तो आपने पहले भी कहा था। कहा था? लल्ला के पप्पा ने हमसे कहा था ना, इसलिए हम बार बार कहते हैं। ओह, सो स्वीट। वैसे ये बात से तो मैं टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है DSP सर की टोन ही अलग हो जाती है जब वो मैडम सर से बात करते हैं। हाँ, मतलब शहद टपकने लगता है, इस कान से लेके इस कान तो कितनी लंबी स्माइल हो जाती है ना, देखो ऐसे। हाँ, हाँ, हमने भी देखा है, है ना, है ना? पर सच तो सच है ना मैडम, अब जो है वो हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो देखो, हमें ननन भाभी किचन में साथ में काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
करिश्मा जी भाभी जज्बात जज्बात से प्याज काटे ये प्याज है इसमें भी भावनाएं हैं देखिए हमें स्वाद ठीक नहीं करना हमें स्वाद की जड़ तक पहुंचना है इसलिए इस प्याज को जज्बात से काटिए हम दिखाएं जी दिखाएं एक मिनट हम अपनी आइडियोलॉजी आप पर थोप नहीं रहे बस आपको दिखा रहे हैं कि जज्बात से प्याज कैसे काटे जाते हैं जी भाभी लीजिए प्यार से अब हम तुम्हें काटेंगे जैन मैडम सर जैन भाव जैन दाब मैडम सर जय हिंद कहाँ खोई हुई थी आप नहीं कहीं नहीं खोए हुए थे बताइए ना नहीं कहीं नहीं खोए हुए थे हम आप आ गई हमें पता नहीं चला आप आ गई मैडम डीएसपी साहब आ रहे हैं रिलैक्स रिलैक्स चलिए कटका 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 पुष्पा जी कटका किधर है कटका कटका जय हिंद सर जय हिंद सर जय हिंद अच्छा आप सब लोग एक साथ मिल गए तो ये रही आप सभी लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य परिणाम सूचना एन्युअल हेल्थ रिपोर्ट और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप में से कोई भी फिटनेस मापदंडों में खरा नहीं उतरा है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह इस रिपोर्ट के अनुसार आपका वजन 13 किलो अधिक पाया गया है ऐसा है करिश्मा सिंह आपका वजन 2 किलो अधिक पाया गया है S.H.O हसीना मलिक का वजन 3 किलो अधिक पाया गया है और कांस्टेबल संतोष शर्मा आपका 3 किलो बढ़ गया है सर आई नो जी नहीं 3 किलो कम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ये हास्य परिहास का विषय नहीं है ये एक बेहद लज्जा और दुख का विषय है आप सब पुलिस में हैं अगर आप लोग ही अपने स्वास्थ्य के साथ ऐसी लापरवाही करेंगे तो समाज की रक्षा कैसे करेंगे लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए ना कि आपका मजाक उड़ाना चाहिए शरीर इंसान के व्यक्तित्व का दर्पण होता है हमारा शरीर देख के ही बताया जा सकता है कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं उसी से बनती है हमारी छवि जब हमारी छवि ही ठीक नहीं है तो लोग पुलिस को गंभीरता से कैसे देखेंगे नया साल आ रहा है नया साल शुरू होने से पहले आज से ही आप लोगों का नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए स्वास्थ्य हम आप सभी को 15 दिन का समय देते हैं और आपका लक्ष्य होगा कि इन 15 दिनों में बढ़ा हुआ वजन घटाना और फिटनेस के मापदंड तक लाना और जो भी इस लक्ष्य को पूरा करेगा वही अगले केस को लीड करेगा ये फिटनेस बैंड आपको बताता रहे आपको इसकी क्या जरूरत है फिर ऐसे ही रखिए आप ये फिटनेस बैंड आपको बताता रहेगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है प्रतिदिन और कितनी बर्न करना बाकी है और ये बैंड आप तक तक पहन कर रखेंगी जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता कार्य प्रगति पर है श्रीमान अब बहुत जल्द हम महिपाल तक पहुंच जाएंगे और एक बार हम महिपाल तक पहुंच गए तो समझिए मिशन पूरा और महिपाल तक पहुंचने का रास्ता हमने बना लिया है तुम जानते हो समय कम है अनुभव सिंह जो करना है जल्दी करो
जी श्रीमान। और हसीना मलिक, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी सर। इतना अच्छा, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक व्यक्तित्व दिया है ईश्वर ने आपको, उसे मेंटेन रखिएगा। जी 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 सर। हमारे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक शरीर देकर इस धरती पर भेजा है, हमें उसे मेंटेन करना चाहिए, यही कह रहे थे हम। तो आप लोगों के पास 15 दिन का समय है लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आपने याद किया करिश्मा सिंह, एक बात बताइए जी, क्या सच में फैट बहुत बढ़ गया है? थोड़ा ऐसे घूमिए और आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा इस तरफ घूमिए और राइट हैंड ऊपर कीजिए। फैट तो बहुत बढ़ गया है और दिक्कत क्या है ना कि ये जाना असंभव है। क्यों? क्योंकि एक एज के बाद फैट आता है लेकिन जाता नहीं है। आपका आपके सवालों का जवाब मिल गया हो तो हम जाते हैं। जय हो। रुकिए, हमने आपको ये सब डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है, हम आपसे पुष्पा जी के बारे में बात करना चाहते हैं। पुष्पा जी? जी, हम सब जानते हैं कि पुष्पा जी का रिटायरमेंट होने वाला है, वो बहुत समय तक हमारे साथ इस थाने में नहीं रहेंगी। ये तो अच्छी बात है, ये सही बात। और जितना हम उन्हें जानते हैं, उनकी बहुत सालों से ये दिल की तमन्ना है कि वो कभी कोई केस लीड करें, उसे सॉल्व करें। क्या कहती हैं आप? लीड तो मुश्किल है पर सॉल्व इम्पॉसिबल है। आप समझ भी रही हैं कि हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हम समझाते हैं। डीएसपी सर ने क्या कहा कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो सबसे पहले अपने टारगेट को अचीव करेगा उसे वो अगला केस लीड करने का मौका देंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सब मिलकर पुष्पा जी की मदद करें उस टारगेट को अचीव करने में? नहीं, हमारी सास है वो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, एक नंबर की खुददार और स्वाभिमानी औरत है। खैरात में मिली कोई भी चीज उनको बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। और मैडम सर, एक बात कहें आपको, ये जो आपका जज्बातों वाला आइडियोलॉजी है ना, ये किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर सकता है, किसी को छोटा महसूस करवा सकता है, आप समझ रही हैं? तो इसमें क्या छोटा बड़ा? देखो, ये तो भावना है ना मैडम सर की हमारे लिए, हाँ, तो इसमें क्या स्वाभिमान, इसमें क्या खुददारी? आप चाहती है ना कि हम ये कंपटीशन जीते और हमें एक केस सॉल्व करने का मौका मिले, तो आप जिताइए हमें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे लेकिन हमको आपत्ति है ना? आपको तो हमारी हर बात पे आपत्ति होती है ना? नहीं नहीं, ये कॉम्पिटिशन है पुष्पा जी, और कॉम्पिटिशन जो है ना वो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट के साथ खेला जाएगा, जो जीता वो विजेता। इस बार कोई जज्बात इंसाफ के बीच में नहीं आएगा। पता है हमको, जज्बातों से आपका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं होता है। अच्छा? हाँ, किसी के जज्बातों की आपको कोई पड़ी नहीं है। अगर होती ना तो हमारी लल्ला की शादी में आप हमें कम से कम ऐसी तो साड़ी देते जो हम एक बार तो पहन सके। अच्छा, जो आपने हमको साड़ी दिया था वो पहनने लायक था? हमारा साड़ी और जो शादी में शहनाई बजाने आए थे ना, उनके कपड़ों का कलर और हमारे कपड़ों का कलर एकदम मैच हो गया था, कोई अंतर ही नहीं था। अरे ऐसा भी कोई साड़ी देता है किसी को तड़कता भड़कता हुआ? देखिए, हमारी सास ने हमें बिल्कुल ऐसी ही साड़ी दी थी। हाँ, तो अपने सास का गुस्सा हम पे काहे निकाल दिया? आप हमको तो ढंग की साड़ी दे देती। तो आपने कौन सा बख्शा है हमारे बारातियों को? खाने में क्या खिलाया? दम आलू। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था हमारे बाराती गेम खेल रहे कि सब्जी खा रहे हैं। और मोती चूर के लड्डू, ऐसे पत्थर के लड्डू, जिसने खाने की कोशिश भी की तो दांत चूर चूर हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ था, आपको नहीं पता है। और रायता, चाय खत्म हो गई हमारी, लेकिन आप दोनों की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। कुछ मुद्दे बाद के लिए रखेंगे या सब कुछ आज ही खत्म कर देंगे? देखिए ना मैडम सर, यही हमारा खून पीती है। पुष्पा जी, हम बात कर रहे थे कि आपके रिटायरमेंट से पहले कैसे आपको एक केस लीड करने का मौका दिया जाए, और उसके लिए कैसे पहले आपका वजन घटाया जाए, उसके बारे में क्या कर सकते हैं हम? देखिए, लीड करने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक छोटी सी समस्या है। क्या? अब हमसे एक्सरसाइज नहीं होती। अब
एक काम करते हैं, हम एक डाइटिशियन ढूंढते हैं अच्छे से, आप उनसे मदद लीजिए, शुरू कीजिए डाइट के थ्रू ही, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ये हो जाएगा? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। पुष्पा जी, आई यू श्योर ये डाइटिशियन है? मतलब पुलिस फोर्स में होकर आप लोगों को क्या खाना चाहिए, इतनी लापरवाही कर रहे हैं आप लोग? जो आपको खाना चाहिए आपको कुछ नहीं पता है, जो जहाँ मिला वो खा लिया आपने लोगों ने। आपको पता है वो बॉडी में कितना नुकसान करेगी वो सब चीजें? करिश्मा, हसीना और पुष्पा, माइसेल्फ संतोष शर्मा, आप तीनों आज से दूध, दही, शक्कर, चीनी, पिज्जा, चीज, सैंडविच कुछ भी नहीं खाएंगे, और बिरयानी के सामने तो देखेंगे भी नहीं। मैडम, ये सब नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? ये कौन है? आई एम बिलू द स्पाई। बिलू चुप। पुष्पा जी, आप पुष्पा सिंह, सुना आप अपने टिफिन में बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आती है, स्पेशली राजमा चावल। कहाँ से सुना आपने? आपके पहले वाले डीएसपी साहब है ना, वो भी हमारे क्लाइंट रह चुके हैं, उनका पूरा डाइट प्लान ना मैंने ही बनाया था। अच्छा, तभी वो इतने स्लिम थे। जल्दी लेकर आइए अपना टिफिन। जी, दिखाते हैं। एक काम करो, अब से अगले 15 दिन ना, अब जो भी डिश बना के लेकर आए ना, उसमें आप घी का तड़का जरूर लगाइएगा। लेकिन हमने तो सुना है कि घी से फैट और बढ़ता है। हमारे लिए नहीं बढ़ता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं रोज पुष्पा सिंह का डाइट प्लान यहाँ पे मॉनिटर करने आऊंगी तो लंच भी तो यहीं करूंगी ना। Are you sure ये डाइटिशियन है? पता नहीं, इनको तो सिर्फ बॉइल्ड एग, बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड सैलेड, ये सब तो खाना है, इन शॉर्ट सब कुछ बॉइल। संतोष शर्मा, आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है ना? और अगर नहीं है तो आपका वेट बढ़ता क्यों नहीं है? अभी बताती हूँ आपको, ये लीजिए मैम, मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और ये मेरे मेस की रोटी है, आप ये खाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। दिखाइए दिखाइए, बहुत बढ़िया। मैडम मैडम, एक मिनट, दांत टूट जाएंगे ऐसे। मेरे पास आइडिया है। कमाल की रोटी है ये, अगर जिसको वेट लूज करना हो ना उसके लिए तो वरदान है ये रोटी। अब जो खाई ना जाए उसे क्या वेट खाक बढ़ेगा? करिश्मा और हसीना, आप दोनों ना ये वाली रोटी अपनी अपनी डाइट में दो दो ऐड करवा दो और रिजल्ट और जल्दी मिलेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब चलते हैं ना। मैडम, आपने रोटी खाने से हमें मना किया है तो फिर ये रोटी कैसे खाएंगे? जो आज तक खाते आए हैं वो बंद है, अब ये रोटी तो आज से आपको शुरू करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टिफिन नहीं लेकर आएंगे, आप सब अपना टिफिन लेकर आएंगी और सब अपना खाना संतोष को देंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। बाय मैडम। एक्सक्यूज मी। या? वेट लूज करना चाहती है ना? पक्का ना? हाँ हाँ, एकदम पक्का। तो ठीक है, अब जब आप इतना तपस्या कर रही हैं, इतना त्याग कर रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी कुछ करें अपनी सासू माँ के लिए। और ये फिटनेस बैंड तो है ही आपके रोज के स्टेप्स मॉनिटर करने के लिए, जितने ज्यादा स्टेप्स उतना ज्यादा वेट लॉस। तैयार रहिएगा, आप कल से आपको दौड़ाएंगे। हाँ हाँ, आपको दौड़ाएंगे और आपका 1000 कैलोरी ना बर्न कर देंगे एकदम। और हसीना मैडम से भी बात हो गया हमारा, वो भी कल आएंगे हमारे साथ, ठीक है? क्या जरूरत है, मतलब आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है पुष्पा जी, आप हमारे साथ कल आएंगी, आप तैयार रहिएगा बस। ये जो कल आपका मॉर्निंग सेशन होगा ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी की नहीं सुनती। पहले मैं जैसी भी थी, पर अब LPJ के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई है। यकीन मानिए, यही सच है। मैंने सिर्फ 15 दिन में 20 किलो वजन कम किया है, और ये कमाल है LPJ डाइट प्लान का, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इनफैक्ट ये इतना असरदार है कि इसको खाने के बाद आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है।
खाने की कोई भी पाबंदी नहीं है। पिज्जा, बर्गर, पकौड़े, पराठे, जो खाना है खाइए, बेझिझक, बिना डरे, बिंदास। आपका वेट अपने आप तेजी से गिरता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक आप खुद को शीशे में देख के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये कौन है, ये मैं हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई डाइट प्लान इतना भी असरदार हो सकता है, और ऐसा डाइट प्लान फिर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए अपना एलपीजे डाइट प्लान और 15 दिनों में 20 किलो वजन घटाइए। हेलो, एलपीजे फिटनेस। हाँ जी, हाँ जी, हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। फिटनेस बैंड चेक करिए इनका, कितना है? 10,000? क्या? हमारे तो सिर्फ 6,000 स्टेप्स ही हुए हैं। हाँ हाँ, बहुत 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 ही बढ़िया प्लान है एलपीजे डाइट प्लान। हाँ हाँ, हमने लिया है ना, कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की या रोटी चावल छोड़ने की, हम तो सब खा रहे भैया। हाँ, ये प्लान चल रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है ना, फिर हमें किस बात की चिंता। अरे हम तो कहते हैं कल से लेकर आज तक 3-4 किलो तो हमारा कम हुआ ही होगा। हाँ सुनो ना, बाद में फोन करते हैं, आराम से बतियाएंगे फिर। हाँ ठीक है, चलो भैया वजन देखना है हमें। ये कितना वजन दिखा रहा है भैया? अरे सामान तो रखा ही नहीं हमने, सामान के साथ हम वजन देख रहे, तो ज्यादा ही दिखाएगा ना। अब देखना। हाँ हे भगवान, कुछ दिन पहले तो 65 था, आज 70 कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, ये मशीन आपकी गलत है, दूसरी दे दीजिए। वजन कम दिखाने के बजाय ज्यादा दिखा रहा है। समझ गया मैडम, समझ गया। आप जैसे लोग एक दिन में 2-4 आते हैं मैडम, इसीलिए मैंने एक दूसरी मशीन रखी है। आप इस पे ट्राई कीजिए मैडम। ये तो अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है, वजन घटने की जगह वजन बढ़ कैसे सकता है? ये डाइट प्लान फेल कैसे हो गया? मैडम पैसे दे रहे हैं ना, समझते नहीं हो तुम, ये लो। अब छुट्टा रखो भाई। हेलो, एलपीजे फिटनेस। हेड कॉन्स्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, अमीनाबाद जनपद लखनऊ से। बेवकूफ बनाया आपने हमें, मीठी मीठी बातें बनाकर झूठ बोलकर भाई ऐसा डाइट प्लान बेचा आपने हमें, जो वजन कम करने के बजाय हमारा वजन और बढ़ गया।
देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आपका पाला किससे पड़ा है, कांस्टेबल है हम, और वो भी हेड कांस्टेबल, समझे ना, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। देखिए मैडम, अब आप हेड कांस्टेबल बोल रहे हो या कमिश्नर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे हैं जो हम आपसे डर जाएंगे। और हमारे एड के नीचे डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। और मैडम हमारा जो डाइट प्लान है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, किसी पे थोड़ा कम और किसी पे ज्यादा। हाँ हाँ सब समझते हैं, ये कानून से बचने के पैंतरे, मगर आपको पता नहीं आपका किसके साथ पाला पड़ा है। अभी हमारी पूरी पुलिस फोर्स माल लेकर आएंगे ना, और एक एक को पकड़ के थाने में ना डाल दिया ना, तो हमारा नाम भी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना। देखिए मैडम, अगर आपको आना है तो शौक से आइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अगर आप कानून आ रहे हैं तो सर्च वारंट के साथ आइएगा। थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे। क्या करें, अगर हसीना मैडम से बात की तो उनको पूरा सच बताना पड़ेगा, डाइट प्लान वाला सच भी बताना पड़ेगा। क्या सोचेंगे मैडम, इस उम्र में ऐसी बच्चों जैसी हरकत, क्या करें, कैसे लिखवाए इन धोखेबाजों के खिलाफ कंप्लेंट थाने में, कैसे सिखाया जाए इन जालसाजों को सबक। पुष्पा जी इतना कतई नहीं भाग सकती, अगर पुष्पा जी इतना भागी होती ना तो अभी करिश्मा मैडम उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर निकाल रही होती। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि पुष्पा जी इस उम्र में इतना ज्यादा भाग रही हैं, और वो भी ऐसी इंसान जो शायद जिंदगी में पहली बार भागने का अटेम्प्ट कर रही हैं, और उन्होंने हमसे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली। नहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या। हमको लग रहा है ना इसमें छेड़खानी कर दिया पुष्पा जी ने, किसी से ना कुछ सेटिंग वेटिंग करवा के कुछ गड़बड़ करवाया है। पता लगाइए जी। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, हम बोल रहे हैं। यहाँ से भी हम ही बोल रहे हैं, आप बताएंगी वहाँ से कौन हम बोल रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए, एलपीजी डाइट वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, वो जो है ना हमारे सारे पैसे खा गए हैं। वो बोले थे वजन ना कम होने पर सारा पैसा वापस मिल जाएगा, मगर अब हम जब फोन किए तो हमें टरका रहे तकनीकी पैंतरे आजमा के। हमको इंसाफ चाहिए मैडम, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए बस। हाँ आप अपना नाम तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं? हम हमारा नाम नहीं ना बता सकते। अरे हाँ मैडम, लेकिन आपको थाने तो आना पड़ेगा ना, रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ जिसने आपको ठगा है, फिर जाके हम एक्शन ले पाएंगे उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ, है कि नहीं है? नहीं नहीं हम वहाँ भी नहीं आ सकते। हाँ हाँ थाने नहीं आ सकते आप? क्यों नहीं आ सकती हैं आप? वो कहा है ना ये जो प्लान है ना, वो हम हमारी बहू को बिना बताए और उसी के पैसे से खरीदे हैं। अगर उनको पता चल गया ना तो हमारी जान खा जाएगी, इसीलिए हम सामने नहीं ना आ सकते। हमारा पैसा हमें वापस दिला दीजिए, वरना वो तो हमको घर से भी बाहर निकाल सकती है। हाँ अम्मा क्या बात कर रही है आप, ऐसे कोई घर से निकालता है क्या अपनी सास को? अरे आप जानती नहीं है हमारी बहू को, वो डायन है डायन। वो बात छोड़िए ना, हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। देखिए हम सुने हैं कि आपका ये जो पुलिस थाना है ना, वहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, सबके साथ बहुत अच्छा से इंसाफ करते हैं आप लोग, तो हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए और हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। सच का साथ देकर झूठ को पकड़ कर जेल के अंदर डाल दीजिए बस। कुछ नहीं सुनिए आप, सुनिए आप ना, हमको पहले अपना नाम बताइए, आप वहाँ से कौन बोल रही हैं, फिर हम आगे का सोचते हैं। हमारा नाम बुट्टन। क्या? नहीं बुट्टन नहीं, हमारा नाम ये राजा लाइन पे आजा। क्या? नहीं अनारकली एक दास्तान। अनारकली मैंने हमरी दास्तान। अरे हेलो, ये आपके डाइट प्लान के हिसाब से मेरी मेस की रोटी, ये आपकी, और मेरे लिए क्या आया है, कलाकंद, और आपकी तरफ से पनीर। बिल्ला बच गया मैडम, एक मिनट काटो यार। बिल्लू यहाँ भी प्लीज। धन्यवाद। देखा सो इज़ पुष्पा जी, कहाँ है, कहाँ आप आज?
वो बाजार गए थे, थोड़ा सामान खरीदना था घर का। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप ड्यूटी पर हैं, आप बता के जाइए आप कहाँ सामान लेने जा रही हैं। हाँ, कोई कायदा कानून होता है कि नहीं? ठीक है ठीक है, अभी हमारा ना लड़ने का मूड नहीं है। लड़ नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। बैठिए, भूख लगी है, बैठिए, खाना खाइए। हाँ जी जी, क्या बात है, आज कोई नया केस नहीं आया क्या? जो नहीं मतलब ऐसे आराम से इत्मीनान से बैठे हैं सब। कोई केस नहीं आया पुष्पा जी, आप आराम से बैठिए, खाना खाइए। हाँ हाँ खाते हैं, मगर कोई फोन भी नहीं आया। कोई फोन नहीं आया पुष्पा जी, आप खाना खाइए ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई फोन तो जरूर आया होगा। परेशान क्यों हो रही है, आप आराम से खाना खाइए ना। हाँ खाना खाइए ना। हम खा लेंगे खाना, क्या बार बार खाना खाओ खाना खाओ, खाना आए खाएंगे ना खाएंगे। कितना भड़क क्यों रही हैं आप? फोन नहीं आया। कौन सा फोन? मतलब किसी भी दुखियारी औरत का फोन, जिसे हमारी मतलब महिला पुलिस थाने की जरूरत है, जिसे हम मदद कर सके, जिसे हम इंसाफ दिला सके, ऐसे किसी का फोन नहीं आया। पुष्पा जी आप आइए, आइए 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 बैठिए। देखिए आपकी ड्यूटी के प्रति आपकी जो सिंसेरिटी है, जो कंसर्न है, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिलहाल आराम से बैठिए, रिलैक्स करिए और खाना खाइए। आपको वजन कम करना है ना, ये लीजिए संतोष के मेस की रोटी, बहुत जल्दी वजन कम हो जाएगा इससे, खाइए खाइए। खाते खाते अपना ये फिटनेस बैंड दिखाइए, इसमें देखिए आपने कितना कैलोरी बर्न किया आज, देखिए जरा 20,700। कहाँ? दिखाइए जरा, ठीक से देखिए, ठीक से देखिए, 20.700 होगा। गड़बड़ गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। इनका चेहरा देखिए आप, आपको लगता है ये इतना कैलोरी बर्न कर लेंगे? चेहरे पे गोलगप्पे और दही बल्ले फाट के बाहर आ रहे हैं, इनकी शक्ल तो देखिए एक बार, ये झूठ बोल रही है, पक्का कुछ गड़बड़ है। हमें भी ऐसा ही लगता है करिश्मा सिंह, क्योंकि हम जब सुबह इनके साथ जॉब पर गए थे तो ये 2 मिनट में आगे से चलकर गायब हो गई थी। इस उम्र में कोई इतना तेज कैसे दौड़ सकता है? 20,000 बहुत ज्यादा हो गया, हमारे 11,000 हुए अभी तक तो। एक मिनट, ये क्या खुसुर पुसुर चल रही है आपकी? आपको यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतने कैलोरीज भी कभी बर्न कर सकते हैं, आपसे आगे निकल सकते हैं? माफ कीजिए मैडम सर, मगर हमें पता है आप ना, आप हमसे जलती है करिश्मा जी। हम जलते हैं आपसे। हाँ हाँ, आपको जलन हो रही है, क्योंकि हम बहुत जल्द आपसे ज्यादा जवान हो जाएंगे, आपसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, फिर सास बहू में सिर्फ सास की तारीफ की जाएगी, इसलिए जलती है। नहीं मतलब कुछ भी बोलेंगे। एक मिनट, इस प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। पुष्पा जी ये लीजिए, हमारा फिटनेस बैंड आप रखिए, इनका हम रख रहे हैं, हमें पता चल जाएगा अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो। ठीक है जी जी, अगर आप कह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। राम राम भैया। राम राम। राम राम। ओ भैया कैसन बा? जय हिंद सर। अनारकली बनकर फोन करने के बावजूद भी यहाँ कोई एलपीजी वालों के खिलाफ एक्शन ही नहीं ले रहा है, लगता है हमें कुछ करना होगा। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ जी जी, हाँ आवाज आ रही है, हाँ बोलिए बोलिए। क्या नाम बताया? अनारकली। हाँ बोलिए बोलिए। एलपीजे डाइट प्लान, एलपीजे ना? अरे पुष्पा जी, अरे आवाज पहुंच नहीं रही ना हमारी। एलपीजे डाइट प्लान लिया तो आपका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया। हे भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है, फरेब है, झूठ है, ठगी है। हाँ हाँ, और कानून की नजर में किसी को धोखा देना संगीन अपराध है। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हाँ हाँ जरूर दिलाएंगे अनारकली। हमारी एसआई मैडम करिश्मा मैडम है। हाँ हाँ, अरे एकदम बहुत कड़क अफसर है। हाँ आपके बारे में बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ, उनकी तरफ से हम आपसे वादा करते हैं ना कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगी। हाँ हाँ, ऐसा कंटाप लगाएंगी ना कि वो बोलेगा दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा ना देखा। हाँ हाँ, सबको जेल की हवा खिलाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। पुष्पा जी, किसको फिर बिल्लू निवास में डाल रही है? पुष्पा जी। हाँ हाँ, हमारी SHO मैडम। हाँ, उनका नाम है हसीना मलिक। हसीना मलिक, हाँ, वो तो साक्षात न्याय की मूर्ति है। उनके होते हुए किसी के साथ भी अन्याय हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे पैसे वापस दिलाएगी अनारकली, रो मत, रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, पूरी महिला पुलिस टीम अमीनाबाद आ रही है तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। कड़ गया। चलो चलो, किसी को इंसाफ दिलाना है, हमारी वर्दी हमें पुकारी, हमारा फर्ज हमें आवाज दे रहा है। चलो चलो, जल्दी चलिए उसे। ओ हो हो, लगता तो नहीं सामने से कोई बोल रहा था। मिलो, रख। अरे ये क्या हो गया, चलिए ना जल्दी, उसे हमारी मदद की जरूरत है, चलिए। एक मिनट पुष्पा जी, रिलैक्स। करिश्मा सिंह का इस केस के बारे में कुछ और सोचना है, एंड फ्रेंकली हम उनकी राय से सहमत हैं। आपने वो कहावत सुनी है, घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? हमें लगता है ये वैसी कोई औरत है जिसने ये LPG डाइट शुरू तो किया लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वजन कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा लिया, इसलिए अब अपना नाजायज गुस्सा वो इस कंपनी पर निकालने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं लगता कि ये LPG कंपनी का इसमें कोई दोष है। अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमने उसकी आवाज सुनी है ना, बहुत दर्द था उसकी आवाज में। अरे पुष्पा जी, पहले तो आप शांत हो जाइए। दूसरा बात, मैडम सर बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है ना वो कुछ छुपा रही है, कुछ तो झोल है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। वो थाने का ही नहीं आ रही है रिपोर्ट लिखवाने, और किस बिना पर LPG के दफ्तर पे जाके हम सर फोड़े, बताइए हमको। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, मतलब अनारकली कह रही है ना। अम्मा अनारकली तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, अब क्या सारी बातों पे उसका विश्वास कर ले हम? उनको क्या बोलेंगे हम जाके जिनके दफ्तर जाएंगे, उल्टा वो तो हम पे केस ठोक देंगे। बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम उनके पास चले गए, हम उनका प्रोडक्ट का नाम खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रही है आप बात को? करेक्ट। हाँ नहीं, पॉइंट तो है करिश्मा। क्या 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 पॉइंट है, क्या पॉइंट है? पुष्पा जी रिलैक्स, करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते, केस डिसमिस। हमारा तो पूरा नाटक फेल हो गया, अब कैसे मिलेंगे हमें हमारे पैसे वापस? राम राम। राम राम भैया। राम राम। ओ भैया, कैसन बा? अरे अनुभव बाबू, सब बढ़िया, आज खुदा ही दूध लेने चले आए। का करे भैया, बिना दूध के चाय थोड़ी बनेगी, इसके लिए आपके द्वार चले आए। जय हिंद सर। जय हिंद। मानना पड़ेगा सर, वैसे कमाल की जगह चुनी है आपने मिलने के लिए। अरे करना पड़ता है अनुभव बाबू, आपको क्या लगता है सिर्फ खुफिया विभाग वाले ही इन लोगों पर नजर रखते हैं? ये लोग भी हम पर नजर रखते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। पर तबेला सर? सबसे सेफेस्ट जगह यही लगी। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, ये देखो, ये है वो जगह जहां महिपाल सिंह रहता है और जहां महिपाल के परमिशन के बगैर परिंदे भी एंटर नहीं करते। जैसे कि देख ही रहे हो, घर क्या छोटा मोटा किला है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहर में जो कुछ भी बड़ा अटैक होने वाला है उसके पीछे महिपाल का कोई ना कोई लिंक जरूर जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये है वो ब्लूप्रिंट जो हमारी आर्मी को मिला उस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले मार गिराया। जैसे कि देख सकते हो, ये है महिपाल का घर और ये गुजरात बॉर्डर। इससे एक सीधी लाइन जाती है महिपाल के घर और यहाँ से एक सीधी लाइन जाती है दिल्ली तक। इसका सीधा मतलब यही है कि शहर में जो कुछ भी बड़ा घटित होने वाला है उसके तार सीधे महिपाल से जुड़े हैं। अरे तार जुड़े का मतलब ये है भैया कि हम ये भाईसा है ना, इनके तार जुड़े हैं बाजू वाले भाईसा के साथ। बहुत नाइन मटक चल रहा है ये दोनों का, हम खुद देखे, मजाक नहीं है। लेकिन सर आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि ये महिपाल सिंह क्या चीज है। महिपाल सिंह दिखाने के लिए तो कारपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पर पता नहीं इसके आड़ में क्या क्या करता है। हाँ ये है कि जो कुछ भी कमाता है वो गाँव के विकास कार्य में खर्च कर देता है।
बच्चों के लिए स्कूल, मुफ्त अस्पताल, रोजगार और सुना है गांव में कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए स्थानीय लोग उसे भगवान मानते हैं। कमाल है। अरे कमाल ही नहीं है बाबू, कमाल तो कल हुई गवाह। पता है क्या हुआ, हमारी भैंसिया है ना, उस भैंसे के साथ गायब। और पता है कहाँ मिले? कहाँ? लवर्स पॉइंट पे, लवर्स पॉइंट पे। दोनों साथ घास खा रहे थे। महिपाल के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें चुना है। अनुभव, मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, हम कुछ नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि ये लोग जो कोई भी हैं, शहर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं और हमें इसे रोकना है। हम समझ रहे हैं सर, अभी तक तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन अब मिशन की गंभीरता जानने के बाद हम समझ गए कि हमें क्या करना है। आप कब से करिश्मा मैडम की बातों में आने लगे? आप तो थाने से जुड़ा हर फैसला खुद लेती है ना, तो आज क्या हुआ? आज कहाँ गए आपके जज्बात, कहाँ गई आपके दिल की आवाज? क्या आपके कानों तक उस औरत का दर्द नहीं पहुँच रहा है, उसकी दर्द भरी आवाज नहीं पहुँच रही है जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है आपसे? टूट गई है वो इस धोखे से, फूट फूट कर रो रही थी बेचारी फोन पे, उसका विलाप अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है मैडम सर। क्या रियलिस्टिक एक्टिंग की आपने पुष्पा जी? एक बार को मुझे ऐसा लगा कि वो एलपीजी कंपनी वालों ने आप ही को ठगा हो। पुष्पा जी रिलैक्स, ब्रीद, संतोष पानी, बहुत जरूरत थी अभी तो। आराम से आराम से आराम। माफ कीजिए पुष्पा जी, हमें नहीं पता था कि आप इस केस को लेकर इतनी सेंसिटिव है और इतनी जुड़ी हुई है इससे। करिश्मा सिंह जी, आप पुष्पा सिंह के साथ एलपीजी कंपनी के ऑफिस में जाइए और पता लगाइए कि वहां पर ठगी का धंधा हो भी रहा है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे मैडम, जाएंगे जाएंगे। ठीक है। तो क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? एसएचओ हसीना मलिक सर, ये हमारी वो मास्टर की है जो हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। आप तो जानते हैं सर कि हसीना मलिक के पिता की मृत्यु के बाद एक महिपाल सिंह ही था जिसने हसीना मलिक का ध्यान रखा, सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया। तो अब हसीना मलिक ही हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। तो मतलब तुमने हसीना मलिक को सारा प्लान बता दिया और उसे मिशन पर ऑनबोर्ड ले लिया? जी नहीं सर, ये इतना भी सरल नहीं है। महिपाल सिंह के नजदीक जाने के लिए हमें हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ाने होंगे, उसके नजदीक जाना होगा। यही तय हुआ था हमारे बीच में कि तुम हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ाओगे और फिर शादी का झांसा देकर महिपाल सिंह के घर में घुसोगे, क्योंकि हसीना मलिक जिससे शादी करेगी उसे एक बार शादी से पहले महिपाल सिंह से जरूर मिलवाएगी। और एक बार तुम महिपाल सिंह के घर चले गए तो फिर शहर में होने वाली बड़ी गड़बड़ी और महिपाल सिंह के बीच क्या कनेक्शन है ये ढूंढना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। सवाल ये है कि दिल विल जीतने में कितना समय लग गया तुम्हें? दिल है सर, कोई पिज्जा नहीं जो ऑर्डर किया और आधे घंटे में हासिल। दुनिया में सबसे मिस्टीरियस चीज औरत का दिल है। कभी कभी एक उम्र भी कम पड़ जाती है जीतने के लिए, और कभी चुटकियों में जीता जा सकता है। मुश्किल टास्क है सर, समय लगेगा। अरे कौनो समय नहीं लगता बाबू किसी के दिल तक पहुँचने में। अब हमारी भैंसिया को ही देख लीजिए, एक बार बगल वाले भैंसा को देख लिया, लव एट फर्स्ट साइट हो ही गवा। अनुभव, समय नहीं है हमारे पास, ये पूरा शहर एक अनजान थ्रेट पे बैठा हुआ है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए जो कुछ करना है जल्दी करो। कर रहे हैं सर, हमने हसीना मलिक की कलाई पर एक फिटनेस बैंड बंधवा दिया है जो कि असल में एक माइक्रोफोन है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, जिसकी बुनियाद पर हम जल्द से जल्द उसका दिल जीत सके। ये सुनिए सर, ये हमारी बहू करिश्मा, मन तो करता है ना इसका गला दबा दे, डायन कहीं की, पता नहीं पिछले किस जन्म का श्राप है जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है हमको। और वो इनके लाडले भैया, हमारे डीएसपी साहब, दोनों भाई बहन एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलो छोड़ो संतु, हम निकलते हैं। क्षमा चाहता हूँ सर, दरअसल माइक्रोफोन वाला फिटनेस बैंड हसीना मलिक के बजाय लगता है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के पास आ गया है। हम चलते हैं सर, जय हिंद। जय हिंद। अरे अनुभव बाबू, अपना दूध तो ले जाइए,
नहीं तो चाय कैसे पियेंगे? हम तो भूल ही गए, धन्यवाद सर। अच्छा जरा विवाह के बारे में जरूर सोचिएगा। तुम्हारी भैंसिया है, तुम ही सोचिए, हम काहे सोचे। अरे बाबू, हम भैंसिया की नहीं तोरे विवाह की बात कर रहे थे, इतनी बुरी चीज ना है। देखते हैं। ये लीजिए मैडम, इसमें हमारे प्रोडक्ट के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और कंसर्न अथॉरिटी के सभी अप्रूवल्स हैं। आ देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, लैब सर्टिफिकेट सब तो इसमें मौजूद है, अब क्या करें? करता हूं मैं, जल्दी से करता हूं। ठीक से पूछिए ना। तो हम ठीक से। अरे मंजू, अब कुछ चाय कॉफी ठंडा गरम वगैरह मैडम को पूछा कि नहीं? वेरी बैड। बाय द वे, मायसेल्फ वली, इस कंपनी का ओनर हूं। आपके खिलाफ कंप्लेंट है? कंप्लेंट हमारा? हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेंट आया है। आपका कस्टमर का कहना है कि आप जो डाइट प्लान बेचते हैं ना, जो कमिटमेंट करते हैं कि भाई इसको लेने से लोग पतले हो जाएंगे, ये गड़बड़ है, कुछ गलत है, कुछ धोखाधड़ी है कि उसको लेने से लोग पतले नहीं हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? आप समझाएंगे हमको क्या चक्कर चल रहा है ये? देखिए मैडम, क्या है कि जिस किसी ने भी हमारी कंप्लेंट की होगी, क्या आपने उनके बारे में पता लगा कि वो कितना अनहेल्दी खाते हैं, कितनी केयरलेस लाइफ जीते हैं वो लोग? मंजू को देखिए, हमारा डाइट प्लान फॉलो कर दिया, कितनी फिट है। हम आपकी बातों से जितना समझ पा रहे हैं, आपके कहने का मतलब है जिनका वजन कम नहीं हो रहा है उसमें उनका फॉल्ट है, आपके डाइट प्लान का कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए, लोगों को लगता है कि एक बार हमारा डाइट प्लान ले लिया तो बस सब हो गया। अरे ढंग से डाइट प्लान फॉलो तो करो, तभी तो आएगा ना रिजल्ट। उसने ठीक से प्लान फॉलो किया था और जैसा कहा गया था ना, बिल्कुल वैसे ही किया था। और अनहेल्दी खाने का मतलब क्या है? आप अपना ये प्रोडक्ट जब बेचते हो तो यही कहते हो ना कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। ये डाइट प्लान अपना काम करता रहेगा, वजन आपका कम होता रहेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब क्या हो गया, वजन कैसे बढ़ गया? ये सरासर धोखाधड़ी है। अब हमें हमारे कहने का मतलब है हमारे कस्टमर अनारकली के 20,000 रुपए वापस चाहिए अभी। सुनिए सुनिए सुनिए, हम बात कर रहे हैं, क्या हो गया पुष्पा जी, हम बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक से बात कीजिए ना, करिश्मा सिंह की तरह बात कीजिए, भोकाल दिखाइए ना। हाँ, हम करिश्मा सिंह जैसे ही बात कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, क्या है ये सब? अरे मैडम, ये तो बैड लक की बात है मैडम। अब इसमें हमारे प्रोडक्ट की क्या गलती है? देखिए मैडम, जिस किसी ने भी हमारा प्रोडक्ट लिया होगा उसने हमारा एड देख के लिया होगा, और हमारे एड में साफ साफ एक स्क्रॉल लिख के आता है, एक पट्टी नीचे लिख के आती है कि रिजल्ट्स में वेरी। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का असर व्यक्ति के शारीरिक संरचना पर निर्भर है। क्यों मंजू, हैं? मंजू को देख लो, मंजू पे कितना अच्छा असर हुआ। हम बार बार मंजू को क्या देखे, हम बेवकूफ समझाए, हमें बेवकूफ समझाए क्या? हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ पुष्पा जी, क्या हो रहा है? पुष्पा जी छोड़िए, क्या कर रही हैं? नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अरे हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ, पैसे मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे, मिलेंगे पुष्पा जी, हम बात कर रहे हैं। पुलिस के दादागिरी का एक और वीडियो हुआ वायरल। पहले था बहू का भौकाल और अब सास भी करने लगी हाहाकार। महिला थाना अमीनाबाद की हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने सरेआम एक शरीफ आदमी को किया बेइज्जत और दी धमकी। देखिए इस वीडियो में। हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से जाहिर किया अपने मन की बात। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी। तो जानते हैं इस विषय पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, अगर और कोई प्रोफेशन हो तो ठीक है, समझ भी आता है भाई कि डेस्क जॉब है, प्राइवेट जॉब है, और इस तरह के जॉब्स में टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत ओवरफैट हो तो चलता है। पर आप तो पुलिस फोर्स में है मैडम, आपको तो फिट रहना पड़ेगा। आम आदमी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ऐसे पकड़ेंगी क्रिमिनल्स को इतनी ओवरवेट बॉडी के साथ? तो ये थी अनुराधा जी की प्रतिक्रिया हेड कांस्टेबल पुष्पा जी के बारे में। स्ट्रेंज, अभी तक सिर्फ करिश्मा सिंह के वीडियोस वायरल होते थे मारपीट करते हुए, अब आप भी ये सब करने लगी हैं। संगत का असर। क्या क्या बोले तुम, किसका सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और बात सिर्फ वीडियोस की नहीं है, ये देखिए सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं। देखिए देखिए, पढ़ के सुनाइए पुष्पा जी। पुलिस वाली गुंडी, ये हाथी कहां से आ गया? रिश्वत खा खा कर हुई है ओवरवेट, हमने रिश्वत नहीं खाई। मगर पुष्पा जी एक बात बताइए, आपको इस केस को लेकर इतना इमोशनल और इतना पर्सनल होने की जरूरत क्या थी?
आप जैसी समझदार दुनियादारी की समझ रखने वाली औरत ऐसी बेवकूफी कर कैसे सकती है? ये सब उसी की वजह से हुआ है मैडम सर। वैसे तो हम सिर्फ उससे पैसे वापस मांगने गए थे, मगर वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले की गलती है ऐसा कह रहा था, तो इसीलिए फिर हमें गुस्सा आ गया और हड़का है उसको। मगर ये सब करने की नौबत भी नहीं आती मैडम सर, अगर इन्होंने कुछ किया होता। अम्मा हमने, हम कहाँ से आगे, बीच में हमको समझ में नहीं आ रहा है। करे कोई भरे कोई, इसमें भी हमारा फॉल्ट नजर आ रहा है आपको पुष्पा जी। ये ना चाहती नहीं है हमारी मतलब अनारकली की मदद करना। हाँ अरे भैया हम क्यों नहीं चाहेंगे ऐसा, क्योंकि मैडम सर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई ना इस केस में। अगर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई होती ना तो जैसा आपका स्वभाव है कूद पड़ती इसमें, और मैडम सर के केस सॉल्व करने से पहले खुद केस सॉल्व करने की कोशिश करती। अब तो कंपटीशन में कोई नहीं है ना सामने, इसलिए आप अनारकली की मदद नहीं करना चाहती। पुष्पा जी प्लीज। तो क्या गलत कह रहे हैं हम मैडम सर, बताइए क्या गलत कह रहे हैं हम? सही बात है। बिल्लू अंदर जाओ जल्दी। मगर है तो ऐसा ही ना। पुष्पा जी शांत हो जाइए प्लीज। संतोष। नहीं मैडम सर मैंने तो कुछ नहीं बोला। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये एलपीजे जो कंपनी है उसके ओनर का नाम क्या है? बल्ली। अच्छा ठीक है, ये बल्ली, इसकी सारी हिस्ट्री डिटेल सब कुछ हमें चाहिए। यस मैडम सर। और सुनिए हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ये एलपीजे जो डाइट है ये और भी लोगों ने ट्राई किया होगा? 20-25 लोगों की लिस्ट निकालिए जिन्होंने इस डाइट को ट्राई किया है, उनसे कॉन्टेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि इस डाइट के बारे में उनका क्या कहना है। क्लियर? क्लियर मैडम। ओके अब आप जा सकती हैं। यस मैडम। रोमियो टू डेल्टा वन ओवर। ये अलग मुसीबत है। डेल्टा वन रिपोर्टिंग ओवर। आप सबकी फिटनेस प्रोग्रेस देखने आ रहे हैं हम आपके थाने। देखते हैं आप सभी हमारी इस स्वास्थ्य प्रतियोगिता को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओवर एंड आउट। परफेक्ट। 69.7 केजी ओनली। हमने आपसे कहा था वजन बताने के लिए? नहीं। आप थाने के स्टाफ का हिस्सा है? नहीं। इस प्रतियोगिता का हिस्सा है? नहीं। तो फिर धरती का बोझ बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है? आइए हसीना मालिक आपसे शुरुआत करते हैं। जी सर। श्रीमान देखकर बताइए क्या प्रोग्रेस है हसीना मलिक की? 3 केजी ज्यादा था, अब 2 केजी है, 1 केजी घटा। नॉट बैड, इसका मतलब परिश्रम हो रहा है। आइए करिश्मा सिंह देखते हैं आपकी प्रगति कैसी है। सिर्फ 1 ही केजी एक्स्ट्रा है। गुड। पुष्पा जी। हाँ जाइए। आइए। नहीं हमारे ख्याल से इस वक्त हमारा वजन करना सही नहीं होगा। ऐसा क्यों? बचपन की समस्या। क्या? हाँ बुधवार को वजन बढ़ता है अपने आप और अगले दिन कम हो जाता है अपने आप, और सुबह से पानी भी बहुत पिया है ना, तो उसी का बहुत लीटर वजन होगा हमारा। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं पुष्पा जी, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए मशीन पर खड़े हो जाइए। आइए जाइए जाइए। जा रहे हैं ना? हाँ जाइए। पैर हटाइए। पैर पीछे कीजिए। हाँ कर रहे हैं ना। वजन घटने के बजाय बढ़ गया है पुष्पा जी। पुष्पा जी जरा अपना फिटनेस बैंड चेक करके बताइए कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। मैडम सर अपना हाथ आगे बढ़ाए। पुष्पा जी आपका फिटनेस बैंड? ये हमारा ही है, और ये जो है ना जो हमने पहना है ये मैडम सर का है। क्या? मैडम सर देखना चाहती थी कि हमारे फिटनेस बैंड में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए। एक तो रूल्स फॉलो करते हैं नहीं और फिर दोष देते हैं दूसरों को। और ध्यान रखिए जब तक ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं होती है कोई भी अपना फिटनेस बैंड नहीं उतारेगा। Am I clear? Yes, sir. अगर प्रतियोगिता जीतनी है और अगला केस लीड करना है तो परिश्रम पूरे मनोयोग से करना पड़ेगा। संतोष शर्मा आइए। वाओ एकदम परफेक्ट वजन। संतोष जी आपने अचीव किया है, इस प्रतियोगिता की विजेता है संतोष जी। सर संतोष जी को केस दे दीजिए। हाँ सर अगला केस भी रेडी है, अनारकली नाम की एक औरत का है। आप चाहें तो वो केस हम संतोष शर्मा को दे सकते हैं।
नहीं मैडम सर, अनारकली वाला केस नहीं, दूसरा कोई केस दे दीजिए। जी नहीं, अगर हसीना मलिक कह रही हैं कि संतोष शर्मा को यही केस मिलना चाहिए तो हम संतोष शर्मा को यही केस देंगे। कांस्टेबल संतोष शर्मा, आज से आप अनारकली वाला केस लीड करेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि केवल प्रतियोगिता समाप्त हुई है, टास्क नहीं। इसीलिए वजन कम करते रहना चाहिए और इसी गति से कम करते रहना चाहिए। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। टीम, क्योंकि अब मैं ये केस लीड कर रही हूं तो मैं चाहती हूं कि आप सब यहां ध्यान दीजिए। हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा अनारकली को। ना सिर्फ अनारकली को ढूंढना है हमें, बल्कि हमें उसे कन्विंस करना है एफआईआर लिखाने के लिए। एक बार एफआईआर हमारे हाथ आ जाए तो हम डायरेक्टली उस कंपनी एलपीजे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले टारगेट है कि हमें अनारकली को ढूंढना है।